तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक कॉर्नर रेस्टोरेंट। आई होप फ्रेंड्स सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं स्टूडियो के अंदर हरियाणा डेट के सेकंड काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो भी बच्चे हरियाणा से बीटेक करना चाह रहे हैं डेट के थ्रू, तो आपको पता है कि HSTS के थ्रू जो फर्स्ट काउंसलिंग हुआ था उनका रिजल्ट आ चुका है। अब दोस्तों, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज है कि सेकेंड काउंसलिंग कब से करें, प्रोसेस क्या रहेगा, फी स्ट्रक्चर क्या है और लास्ट डेट कब तक है सेकेंड काउंसलिंग करने का, उसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सेकेंड काउंसलिंग रिगार्डिंग A to Z इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कहीं भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर कहीं भी कमेंट कर देना। आपका जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है विथ मीन टाइम में दिया जाएगा। थोड़ा सा स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, आपको बता दूँ कि जो HSTS का जो फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट है वह आ चुका है। तो बहुत सारे बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज है कि सेकेंड काउंसलिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सेकेंड काउंसलिंग का डेट क्या रखा गया है, ठीक है। तो दोस्तों, जो सेकेंड काउंसलिंग का डेट है आपका स्टार्टिंग है 13 तारीख से है, ठीक है। आपके 13 से सेकेंड काउंसलिंग का है, 13 से सेकेंड काउंसलिंग का जो डेट है स्टार्ट हो जाएंगे और आपका 11 बजे मतलब कि 11 PM दोपहर के टाइम में आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा और 13 तारीख को आप अप्लाई कर सकते हो। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, आपने जैसे फर्स्ट काउंसलिंग किया था सेम प्रोसेस को अपनाना है और उसी तरह आपको अप्लाई करना है। अगर आपको अप्लाई करने में दिक्कत हो रहा है, अगर आपको अप्लाई का वीडियो चाहिए कि प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे करके अप्लाई करना है, तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आज ही आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो डेट दोस्तों 13 से आपका जो काउंसलिंग है स्टार्ट हो जाएगा। तो 13 तारीख से सारे बच्चे जाकर फिल कर देना, ठीक है, और चॉइस फिलिंग करके सारे बच्चे लॉक भी कर देना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट दोस्तों आपका 17 तारीख को है, ठीक है। 17 अक्टूबर को लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई का। 17 अक्टूबर से पहले पहले सारे बच्चे अप्लाई कर देना, काउंसलिंग कर देना, चॉइस फिलिंग कर देना। कोई बच्चे 17 तक वेट नहीं करेगा क्योंकि सर्वर प्रॉब्लम कभी कभी हो जाता है, तो आप 13, 14, 15 को ही फिल कर देना। बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन था कि सर फी पैड करना है या नहीं करना है। तो आपको जो 500 रुपये टोकन काउंसलिंग फी है बिल्कुल पैड नहीं करना है, ठीक है। जो आपको 500 रुपये काउंसलिंग फी है वह सिर्फ फर्स्ट काउंसलिंग का ही था, सेकेंड काउंसलिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करना है। और जो बच्चे फर्स्ट काउंसलिंग में फी पैड नहीं किए तो उसको फी पैड करना है, और जो बच्चे एक बार फी पैड कर चुके हैं 500 रुपये, अब वो किसी बच्चे को फी पैड नहीं करना है, ठीक है। अब दोस्तों बता दीजिए कि रिजल्ट कब आएगा सेकेंड काउंसलिंग का। दोस्तों मैं बता दूँ कि जो आपका रिजल्ट है सेकेंड काउंसलिंग का 18 को शाम के 5 बजे के बाद बिल्कुल आ जाएगा, 100% मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो डिले होता है दोस्तों फर्स्ट काउंसलिंग में डिले होता है, लेकिन सेकेंड काउंसलिंग का जो रिजल्ट है 18 को 5 बजे के बाद आ जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि सारे बच्चों को कॉलेज मिल जाए, और जो बच्चे को कॉलेज मिल गया है सेटिस्फेक्शन नहीं है वो भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक बात और, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज थे कि सर टोकन फी देने के बाद क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल, अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो चुका है, आपने टोकन फी भी दे चुका है, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका टोकन फी होगा डायरेक्ट आपके कॉलेज में, जो आपको दूसरे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो आपके 10,000 रुपये कहीं नहीं जाएंगे, आपके दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों यही कुछ नोटिफिकेशन था जो आपको शेयर करना था, वो सिर्फ बच्चे का डाउट था। हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा कि सेकंड काउंसलिंग में चॉइस लॉकिंग कैसे करें, फॉर्म फिल कैसे करें, तो नीचे आप कमेंट कर देना, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। आज शाम को ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो नीचे कमेंट कर देना, टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कोई क्वारी हो तो आप कहीं भी पूछ सकते हो। तो तब तक इस वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।